अब फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि उन्होंने मुल्क में इंतशार पैदा करने वालों का साथ देना है या जो मुल्क में जो तरक्की के सफ़र को दोबारा से लेकर चल रहे हैं उनका साथ देना है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल का ऐलान किया गया 24 नवंबर को, जिसके अंदर दोबारा से इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से जो तरक्की का सफर है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और जो हमारी यूथ है उसको वर्ग लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो यूथ को बातों में लगाकर एहतजाज का हिस्सा बनाया जाए और मुल्क में दोबारा से दंगा फसाद किया जाए। दूसरी जानिब मैं बात करूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पंजाब हुकूमत की, जो पंजाब की आवाम के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, जो पंजाब की जो यूथ है उसका सोच रही है कि किस तरह से पंजाब की यूथ को आगे लेकर चला जा सके, उनके जो मुस्तकबिल है उनको रोशन किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, KPK के अंदर हुकूमत है, वो तलबा के लिए कुछ नहीं काम कर रही, वो सिर्फ वहाँ के जो आवाम है उनको एहतजाज के लिए वर्गला रही है। तो ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने ही 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कॉल है उसको फेल करना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।